यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यमुना तीरा जय राधा माता जय कुंज हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम पुनः आप सबके चरणों में दंडवत प्रणाम। प्लीज स्वीकार करिए और कुछ कृपा की वर्षा करिए ताकि कुछ बोलने में सक्षम हो सको। आज का भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक नंबर 14 गीता का सार इस श्लोक में पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ, आप मेरे पीछे दोहराने की कोशिश करिए। मात्रा स्पर्श तू कौन्तेय शीत उष्ण सुख दुख दाह आगम अपायिनः अनित्याः तान् तितिक्षस्व भारत। मात्रा स्पर्शा तु कौन्तेय शीत उष्ण सुख दुख दाह आगम अपायिनः नित्याः अनित्याः तान् तितिक्षस्व भारत। मात्रा स्पर्शा तु कौन्तेय शीत उष्ण सुख दुख दाह आगम अपायिनः अनित्याः तान् तितिक्षस्व भारत। अणवत् तथा
तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा, जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की। हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा काल क्रम में उनका अंतर्धान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतु के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। तात्पर्य, कर्तव्य निर्वाह करते हुए मनुष्य को सुख तथा दुख के क्षणिक आने जाने को सहन करने का अभ्यास करना चाहिए। वैदिक आदेशानुसार मनुष्य को माघ जनवरी फरवरी के मास में भी प्रातः काल स्नान करना चाहिए। उस समय अत्यधिक ठंड पड़ती है, किंतु जो जो धार्मिक नियमों का पालन करने वाला है वह स्नान करने में तनिक भी झिझकता नहीं। इसी प्रकार एक गृहिणी भीषण से भीषण गर्मी की ऋतु में मई जून के महीनों में भोजन पकाने में हिचकिचाती नहीं। जलवायु संबंधी असुविधाएं होते हुए भी मनुष्य को अपना कर्तव्य निभाना होता है। इसी प्रकार युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है, अतः उसे अपने किसी मित्र या परिजन से भी युद्ध करना पड़े तो उसे अपने धर्म से विचलित नहीं होना चाहिए। मनुष्य को ज्ञान प्राप्त करने के लिए धर्म के विधि विधान पालन करने होते हैं, क्योंकि ज्ञान तथा भक्ति से ही मनुष्य अपने आप को माया के बंधन से छुड़ा सकता है। अर्जुन को जिन दो नामों से संबोधित किया गया है वे भी महत्वपूर्ण है। कौन्तेय कहकर संबोधित करने से प्रकट होता है कि वह अपनी माता की और मातृकुल से संबंधित है, और भारत कहने से उसके पिता की और पितृकुल से संबंध प्रकट होता है। दोनों ओर से उसको महान विरासत प्राप्त है। महान विरासत प्राप्त होने के फलस्वरूप कर्तव्य निर्वाह का उत्तरदायित्व आ पड़ता है, अतः अर्जुन युद्ध से विमुख नहीं हो सकता। प्रार्थना। ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्मीलितम येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वंदेहं श्री गुरोः श्रीयुत पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवान् च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पदान् ओम विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे वांछा कल्पतरूभे च कृपा सिंधुभे एव च पतितानां पावणेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सॉरी, मैंने आपको किसी को बोलने नहीं दिया, सॉरी, मुझे माफ करना। अभी बोल सकते हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। मात्रा स्पर्शात कौन्तेय शीत उष्ण सुखदा आगम पाइन अनित्यातान तितिक्षस्व भारत। ये श्लोक यदि हम समझ लेते हैं तो हमारी सब समस्या हल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दिया है मात्रा स्पर्शा, यानी ये इंद्रिय विषय। इंद्रिय विषय कौन से है बता सकते हो आप? पांच ज्ञानेन्द्रिय और पांच ज्ञानेन्द्रिय के पांच विषय है। पांच ज्ञानेन्द्रिय कौन सी है? आंख, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा। और अभी हम क्या करते हैं? त्वचा से स्पर्श, ये स्पर्श क्या हुआ? विषय हुआ।
कान से सुनते, सुनना ये सुनने का यानी कान का विषय हुआ, देखना आंखों का, आंखों से हम देखते हैं तो वो एक आंखों का विषय हुआ। अभी क्या हो रहा है, नाक, नाक से हम सुनते हैं और जीवा, जीवा से हम खाते हैं। तो हम पहले देखेंगे ये पांचों विषय के पांच जो ज्ञानेन्द्रिय है उनके कार्य जो है उसके बारे में हम शॉर्ट में सुनने की कोशिश करेंगे। पहले हम आंख का लेते हैं। आंख, आंख से हम क्या करते हैं, देखना चाहते हैं, किसे देखना चाहते हैं और क्यों देखना चाहते हैं, क्यों वो नहीं देखना चाहिए और क्या देखना चाहिए, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। और हम थोड़ा यंग एज के लोगों के बारे में विचार करते हैं कि आज कल के जो मॉडर्न स्टूडेंट है वो क्या करते हैं, इस कॉलेज स्कूल में तो जाते हैं लेकिन वो लड़की लड़कों को देखना चाहेगी, लड़के लड़कियों को देखना चाहेंगे और वो ऐसे एक दूसरे के और अट्रैक्ट होने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या ये सच है या अच्छा है, ये तो हम नहीं ठहरा सकते। ये उनको अपने अपने आपस में ठहराना है और आपस में तय करना है कि मुझे क्या देखना है, क्या देखने से मुझे फायदा होने वाला है। फायदा यानी भौतिक फायदा नहीं, अरे भौतिक फायदा नहीं, तो कौन सा फायदा देखना है हमें। जब हम अभी इस राह पे आ ही गए भक्ति के राह पे, तो हमें भक्ति के राह में जो प्रगति में सहाय करे इस फायदे को हमें देखना है। अभी दूसरा आता है बच्चों का भी, वैसे हम उदाहरण ले सकते हैं कि बच्चों को क्या देखना चाहिए, बच्चों को खेलने का हो, क्या देखना पसंद करोगे बेटा आप, टीवी हाँ और उसमें भी कार्टून, बराबर है, गेम्स और कार्टून। कार्टून में कौन सा पसंद है, क्या तो ये बच्चे देखना चाहेंगे कि उनके नाम में भी नहीं आते हैं और समझ में भी नहीं आते हैं, लेकिन वो उनके हिसाब से वो उनकी जगहों पे सही है। लेकिन उनको सही रास्ता बताना, जब माता पिता भक्ति में हो गए, भक्ति के राह पे हो गए तो वो बता पाएंगे। लेकिन हम फोर्स नहीं कर सकते, फोर्स करने से कोई भी कार्य नहीं होता, शांति से समझा बुझा के ही होता है। और जो हम नहीं कर पाते वो हम जिनके साथ बैठते उठते जो हमारे भक्त लोग है, वो भक्त लोगों का ज्यादा बच्चे सुनते ना कि हमारा। हम भले कितना कहे लेकिन हमारा कोई नहीं सुनेगा। तो ये जो दूसरे भक्त रहते हैं जिनके साथ हम संग करते, वो भक्त लोगों का वो ज्यादा मानते हैं और उनका ज्यादा सुनना वो पसंद करते हैं। वैसे अभी कान सुनना ये उसका विषय है, तो कान से हम क्या सुनना चाहते हैं, बच्चे लोग वगैरह ये तो उनके छोटी छोटी गीत सुनना चाहेंगे, कोई पिक्चर के गाने सुनना चाहेगा, कोई कुछ सुनना चाहेगा। लेकिन हम जो भक्त है, भक्तों को क्या सुनना है, केवल और केवल कृष्ण कथा और श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता, भागवतम का जो प्रवचन चलते हैं और जो जो बता रहे हैं वो सब सुनने की हमें कोशिश करनी है। और वो सुनते 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 जब हमारा हृदय क्या होगा, चेतो दर्पण मार्जनम, जब हमारा हृदय शुद्ध हो जाएगा, जीव कितने करोड़ों जन्मों का जो मल, पापों का जो मल का साठा हुआ है मलिन होगा, हमारा हृदय का आईना वो शुद्ध हो जाएगा, तब हमें क्लियर भगवान के दर्शन हमारे अंदर ही होंगे। क्यों, क्योंकि परमात्मा रूप में भगवान हमारे हृदय में ही बैठे हुए हैं। तीसरा आता है नाक, नाक का विषय है सूंघना, हम क्या सुनना चाहेंगे, कोई फूल सुनना चाहता है, कोई कुछ सुनना चाहता है, किसी को अलग अलग चीजें सुनने का, ये आपको पता होगा इस सूंघने की वजह से जो चतुष कुमार थे वो भक्त बने, ये भी आपको पता होगा। तो उसका भी असर होता है कि हम भी जब भगवान को अर्पण किए हुए फूलों को सूंघे तो हम भी भक्त बन सकते हैं। बाद में आता है स्पर्श, किसे स्पर्श करना है वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो हमें भगवान को दंडवत करते हुए, भगवान के जो अर्चा विग्रह है जब हम उनको निहलाते हैं ये करते, तो हमारा स्पर्श उनसे होता है और जैसे हम उनके कांटेक्ट में आते हैं तो भगवान का हमारे साथ आदान प्रदान हो ही जाता है, तो हम शुद्ध होते ही है। बाद में आता है और क्या बाकी ना, त्वचा, त्वचा यानी स्पर्श हो गया ना, नाक, जीव, जीवा, जीवा से हम दो क्रियाएं करते हैं, एक खाने की और दूसरी, दूसरी कौन सी, बोलने की।
तो बोलना क्या है उस पे, जब तक कहा जाता है कि जिह्वा जब तक कंट्रोल में नहीं आती तब तक कुछ भी नहीं कंट्रोल में आ सकता है। तो जिह्वा को हमें गाइडेंस करना है, वो कौन करता है, मन ही करता है। 10 इंद्रिया और एक मन, 11 जो इंद्रिया बताते ये मन कंट्रोल में आ गया, मन ने बता दिया, जिह्वा कंट्रोल में आ गई, क्योंकि हम अपशब्द नहीं बोलेंगे, बोलने के पहले हम सोचेंगे तो वो कंट्रोल में आ जाएगी। और वैसे ही स्वाद जो हम चखते, भगवान को अर्पण किया और प्रसाद, भगवान को हम भोग लगाते हैं, तो भोग लगाते वक्त हम प्रार्थना करते हैं भगवान को, क्या प्रार्थना करते हैं पता है आपको? हे भगवान, आप इसका ग्रहण कर लीजिए और नहीं, इसको पहले श्लोक चाहिए मुझे। नमो ओम माया कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे जय श्री कृष्ण। नहीं, नमो नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरवत्से नमः। नमो ब्राह्मण्य देव को नमाय ब्राह्मण हिताय च नमो, मैं भी भूल गया, नमो ब्राह्मण देवाय, आयो नमो ब्राह्मण ब्राह्मण हिताय च हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ये हम हर जो 3 श्लोक बोले, सॉरी हर श्लोक हमें 3 3 बार बोलना है, फिर उसके बाद हम जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। और बाद में हमें प्रार्थना करनी है, हे भगवान मैं तो बहुत पापी हूँ, पतित हूँ, मुझे श्लोक भी नहीं अच्छे से बोलते आ रहा है, मैं प्रसाद अच्छे से बना नहीं सकती हूँ, लेकिन जो कुछ जैसा जो है वो मैंने आपको अर्पण किया है, प्लीज उसका स्वीकार करो। तो इतना सब बोलने के लिए 1 मिनट 45 सेकंड लगते हैं, तो कम से कम इतना समय तो हमें भगवान को देना चाहिए खाने को। क्या आपको टाइम कितना लगता है बेटा खाने को, प्रसाद लेते हो जी? हाँ 10 मिनट आपको, उसने बोला इसलिए तुझे भी 10 मिनट, लेकिन कार्टून देखते देखते तो 10 मिनट में होगा नहीं, तो फिर हमें भगवान को कितना टाइम देना चाहिए प्रसाद पान करने के लिए? मिनिमम हमें कम से कम 15 मिनट तो देने ही चाहिए भगवान को, ज्यादा दे तो अच्छा, ये ना दे तो मिनिमम 10 से 15 मिनट हम भगवान को दे तो भगवान वो खाते। आपको हमें ऐसे लगता है कोई जो जिसे मालूम नहीं वो क्या सोचता है, अरे इतना टाइम उनको दिया तो सब खा जाएंगे, फिर हमारे लिए कुछ भी नहीं बचेगा, फिर हम क्या खाएंगे? तो ऐसा नहीं है, भगवान क्या है, आत्मा राम है, उनको हमारी कोई चीज की जरूरत नहीं है, वो खुद आत्मा राम है, वो ही खुद हमें देते हैं, उन्होंने जो हमें दिया वही हम उनको दे रहे हैं, तो उनको क्या जरूरत है? यदि वो नहीं हमें देंगे तो हम कैसे उनको देंगे? लेकिन कितना भी करीब हो, भगवान क्या बोलते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त प्रयच्छति, यानी हम पत्र पुष्प फल, एखादा कोई निर्धन व्यक्ति है तो वो बोलता है कि मेरे पास आज क्या है, केवल पत्र है, केवल पुष्प है, ये तो कहीं पे भी मिल जाता है, पत्र यानी तुलसी पत्र, फल कोई भी फल मिल जाता है, भले ही छोटा सा बेर क्यों ना हो, भले ही एप्पल हो, कुछ भी फल हो छोटा सा क्यों ना हो, वो तो हम भगवान को दे सकते हैं। जब हम ये भगवान को दिया हुआ प्रसाद अर्पण किया और प्रसाद पान करेंगे तो क्या होगा, हमारी जीवा हमारी आत्मा भी शुद्ध हो जाएगी, और जब हम शुद्ध हो जाएंगे तो वो भी कंट्रोल में आएगी, मन कंट्रोल में आ जाएगा, मन कंट्रोल में आएगा तो मन कोई भी विघातक जो कार्य होते, आज हम देखते हैं कितने जगह मारा मारी हो रही, कितने मारकाट हो रहे, आज बोलने को मांस के नाम पे कितने गौवे कितने पशु पक्षी काटे जा रहे हैं, लेकिन वो जो काटने वाला व्यक्ति होता है इधर मोबाइल पे बात करता है और कट 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 करके वो काटते रहता है, उसको कुछ भी परेशानी नहीं होती, उसको कुछ ये नहीं लगता, लेकिन जिसने नहीं देखा है वो जो देखता है उसको दया आ जाती थी, और वो यानी अपने आंख पे रोंगटे खड़े हो जाते, कितना निर्दयी है ये कि उसको कट 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 करके खा रहा है वो बेचारी, तड़प रही है, मुर्गी को यदि काट रहा है तो तड़प रही है, गाय को काट रहे तो गाय भी तड़प रही है, उसका बछड़ा रो रहा है, और वो प्रार्थना कर रहा है कि प्लीज हमें छोड़ दीजिए, प्लीज हमें छोड़ दीजिए, लेकिन वो जो
ब्लचर है, वो क्या करता है, ध्यान नहीं देता और इधर अपने घर पे बात करता है, हाँ मैं अभी आ रहा हूँ, बस थोड़ा सा बाकी मेरा काम हो जाए फिर मैं आ जाऊंगा। और वो कट कट इतने जोर जोर से कट करता है, जैसे कि हम क्या बोलते हैं, पाउशी क्या बोलते हैं इसको, सीजर से बोलो या कैसे बोलो, हम कोथिंबीर यानी धनिया को कट करते, ऐसे वो कट करते जाता है। लेकिन वो ये समझ नहीं पाता कि मैं कितना अघोरी कृत्य कर रहा हूँ और कितना मैं पाप में के गहरे अंधकार की खाई में गिरते जा रहा हूँ। क्योंकि हर कार्य का क्या है, प्रतिफल है, उसका फल मिलने वाला है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, हम जो भी कार्य करेंगे उसका फल हमें मिलेगा है। यहाँ पे क्या बता रहे हैं, कौनतेय को कौनतेय शब्द से एड्रेस किया है, कौनतेय यानी अर्जुन, कुंती का पुत्र, कुंती ये उनकी माता है, कुंती ने बचपन से लेके बहुत दुख सहन किए है, और फिर ऐसे वक्त यदि ये युद्ध करना छोड़ देता है अर्जुन, तो माता कुंती को कितना बुरा लगेगा। दूसरा वर्ण आता है भारत, भारत यानी भरत वंशी, भरत वंशी कौन है, तो पांडु महाराज यानी कुरु वंश जो है, दोनों एक ही थे पहले, बाद में वो धृतराष्ट्र ने उनमें डिफरेंस किया, इसलिए कुरु कौरव हो गए और पांडव पांडु के पुत्र पांडव हो गए। तो भरत इनका इनका क्या था, प्राण जाए पर वचन ना जाए, ये उनका स्लोगन था। तो वचन की पूर्ति करने के लिए हमें पता है कि दशरथ महाराज ने अपना प्राण त्याग कर दिया था, उनकी वचन तृप्ति हो, और उसमें सहायक किसने किया, अपने पुत्र ने। वैसे ही जब हम पुत्र के लिए कुछ करते हैं तो पुत्र भी अपने लिए कुछ करता है। यदि अभी पुत्र को जरूरत है माता पिता की, और माता पिता उस पुत्र के जरूरत के वक्त, अभी तो ये दुनिया थोड़ा ये हो गया कि दोनों जब तक काम नहीं करेंगे परिवार नहीं चलेगा, तो उनको काम पे तो जाना पड़ता है, फिर बच्चन को कहाँ रखते हैं, डे केयर में रखते हैं। वैसे ही यदि बच्चे जब वो बड़े हो जाए और हम बूढ़े हो जाए और वो अपने काम पे चले जाए और हमें वृद्धाश्रम में छोड़ दे, तो इसमें क्या फर्क पड़ने वाला है। लेकिन आज लोग क्या बोलते हैं कि बच्चे माँ बाप को संभालते नहीं, तो उसके पीछे कौन कारण होता है वो हमें सोचना है। यदि हम भले ही सर्विस कर रहे हैं, लेकिन सर्विस करते करते सर्विस और घर दोनों का यदि हम बैलेंस करते हैं, तो बच्चों को हमें इधर उधर छोड़ना नहीं पड़ेगा। क्योंकि घर में यदि दादा दादी है, नाना नानी है, तो जरूरी नहीं है कि उनको डे केयर में छोड़ना है। लेकिन आज के लड़कियों को ये पता ही नहीं है कि हमें पूरे परिवार के साथ मिल के कैसे रहना है। ये यदि उनको बचपन से सिखाया जाए कि ऐसा नहीं कि बच्ची को तोरण ओढ़ के रखना है, नहीं, बच्ची को केवल समझाना है, यदि परिवार को एक साथ रखना है तो बच्ची को तो समझाना ही होगा कि बड़े होके परिवार जब तक एक साथ नहीं रहेगा तो परिवार में सुख शांति भी नहीं आएगी। आप देखो कि जब माता पिता सर्विस को जाते हैं तो सुबह हो जाते हैं, रात को आते हैं, रात को आने के बाद थक जाते हैं, थकने के बाद क्या वो भोजन करा पाएंगे, अच्छा तरह भोजन कर सकती है माता, बना सकती है, कभी नहीं। फिर उसका असर क्या होता है कि वो मेड रखती है, मेड का स्वभाव जो होगा उसके जो विचार हो गए वो अन्न में जाते हैं और वही हम प्राशन करते हैं। अभी मैं एक लेक्चर सुन रही थी, वहां पे प्रभु जी बता रहे थे कि पत्नी और माता यदि घर में है तो परिवार के लोगों ने बाहर का खाना नहीं चाहिए, माँ के हाथ का और पत्नी के हाथ का ही खाना चाहिए। एक स्टोरी मैं सुन रही थी, उसमें बताया था कि 20 साल बाद जब एक माता अपने बेटे के लिए रात को जग रही है, रात के 10 बज गए, अभी तक बेटा वापस नहीं आया है, माँ उसका वेट कर रही है, वो डायबिटिक पेशेंट है, हार्ट पेशेंट है, तो भी वो अपने बेटे के लिए वेट कर रही है। तो उसकी जो मेड है वो उनको बोल रहे कि माता जी अभी आप खा लीजिए, तो बोल रहे नहीं मेरा बेटा आएगा तब खाऊंगे, नहीं, अभी बहुत टाइम हो गया, आपका इंसुलिन का टाइम हो गया, आपको इंसुलिन इंसुलिन लेना है तो आप खा लीजिए। और जैसे ही उसके लिए वो खाना गर्म करके लाती है, क्योंकि ये क्या होता है कि हम खाना पहले ही बना देते हैं और जब खाना है तब और गर्म करते हैं, तो वो जो हम खाते हैं उसमें के तो सारे जो जीवन सत्व तो बोलते हैं हम वो सब मर जाते हैं, और ऐसा अनाज यदि हम खाएंगे तो हमें कहाँ से अच्छी बुद्धि देगा, बुद्धि तो हमें देगा ही, हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। और तब जब उसको
थाली परोस कर लेके आती, उतने टाइम में बेटा आता है और बेटा बोलता है कि माँ आज अभी तक तू जग रही है, जा जाके सो, तेरी तबीयत खराब हो जाएगी। माँ बोल रही है नहीं बेटा, मैं तेरे लिए रुकी हूँ कि मैं और तूने साथ में बहुत दिनों से खाना नहीं खाया है। देखो ये सोचते सोचते आगे क्या बोला है वो भी मैं भूल जा रही हूँ, यानी वो सोच भी हमारे दिमाग में नहीं आ रहा है कि हम क्या सोचे इस व्यक्ति के बारे में, और ऐसी सोच कैसे हम उस सोच से हमें क्या सीखना है वो जरूरी है हमें। तो तब वो लड़की लाके देती है उनको मेड, उनको खाने के लिए, और तब बेटा बोलता है कि मैंने तो खा के आया हूँ बाहर से, मुझे भूख नहीं है। फिर माँ बोलती है ठीक है, लेकिन वो मेड उसको बोलती है कि के लिए मम्मी इतनी देर तक रुके खाने के लिए और आप उनको नहीं बोल रहे, और आज आपके पसंद के पकोड़े बनाए गए और कुछ तो भी होगा और डिश वो बनाइए, और आप कैसे मना करते हो। तो फिर लड़का बोलता है ठीक है माँ, मुझे तेरे हाथ से दो कौर की ला दे तेरे प्लेट में से। वो जब खिलाती है तो वो बोलता है माँ 20 साल पहले जब तू मुझे खिलाती थी वो जो टेस्ट था वही टेस्ट आज भी है। ये केवल और केवल किसके कारण होता है? ममता के कारण। माता की जो ममता रहती है अपने बच्चों के लिए, उस ममता के कारण वो टेस्ट में बदल नहीं हो सकता। लेकिन हम मेड से यदि खाना खाते, मेड ने बनाया हुआ, आज क्या टेस्ट है, कल क्या होगी, परसों क्या होगी, बता नहीं सकते हम, क्योंकि मेड भी परमानेंट नहीं रहती, कभी कभी वो भी बदल जाती है, हर मेड के हिसाब से हर टेस्ट अलग हो जाती है। तो इसीलिए प्रभु जी बोल रहे थे कि पत्नी ने और माता ने बनाया हुआ खाना ही हमें खाना है, तब जाके हमारी बुद्धि स्थिर रहेगी। स्थिर होना बहुत जरूरी है, हमारी बुद्धि स्थिर रही तो ही हम कुछ अच्छा कर सकते हैं, अन्यथा हमारा मन क्या है, चंचल है। अर्जुन ने भी स्वीकार किया है कि मैं एक बार वायु को क्या बोलते कंट्रोल कर सकता हूँ लेकिन मन को कंट्रोल नहीं कर सकता। तो यदि अर्जुन जैसा व्यक्ति मन को कंट्रोल नहीं कर सकता तो हम कौन से खेत की मूली है पता नहीं, हम कैसे कर पाएंगे। वो तो कितने शुद्ध भक्त थे, अर्जुन भगवान के साथ रहते थे तो भी वो करने में अनकानी कर रहे थे। अभी बाद में आता है आगम अपाइनो नित्या तान तितिक्षस्व भारत, ये जो सुख दुख हर एक के जीवन में आते ही रहेंगे। सुख दुख तो हमारे जीवन में आते रहते हैं, आज सुख है कल दुख है, ये चक्र चलते ही रहता है। ये कैसे, उसकी तुलना उन्होंने शीत उष्ण से की है, शीत यानी ठंडी, उष्ण यानी गर्मी। जैसे ठंडी का मौसम आता है, जैसे अभी है फिलहाल ठंडी का मौसम है, ये ठंडी का मौसम चले जाएगा, मार्च से फिर हमारा समर शुरू हो जाएगा, यानी उष्ण समर शुरू हो जाएगा। तो ये उसके बाद फिर और बारिश आएगी, शीत आएगा यानी ठंडी का मौसम आएगा, बाद में और गर्मी का मौसम आएगा। वैसे ही सुख दुख का भी है, सुख आते जाते रहता है। आज सुख आया तो इसके मतलब हमें बहुत हर्षित होकर नाचना कूदना नहीं है, और दुख आया तो हमें दुखी होकर बैठ के रोते नहीं बैठना है कि अरे मैं तो रोज मंदिर जाती थी, मैं रोज जगन्नाथ जी का दर्शन करती थी, जगन्नाथ जी ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। ये अपन जगन्नाथ जी से पूछेंगे कि ऐसा क्यों किया, क्यों किया है, ये हम कब समझेंगे, जब हम भक्ति का ये रोज रोज श्रवण करेंगे। सुबह भागवतम का, शाम को भगवत गीता का श्रवण करते तमें मालूम हो जाता है कि हमें ये कुछ भी सोचना नहीं है, सुख है दुख है क्यों आया क्यों गया ये हमें सोचना नहीं, इसमें हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, तो हमें सिर्फ हमारा कर्म करना है। ऐसा ही श्लोक हमने आगे आएगा वो दूसरे ही अध्याय हमें 47, कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी हमें केवल कर्म करने का अधिकार है, कर्म का जो फल मिलने वाला है उसके बारे में सोचना नहीं है, क्योंकि कर्म का फल जो है वो तो भगवान देंगे। भगवान ने सोचा है हमें क्या देना है, हम जिस तरह से कर्म करते हैं, जिस भावना से कर्म करते हैं, उस भावना के हिसाब से हमें उसका फल प्राप्त होता है, ना कि हम उसके बारे में समझो। अभी पेपर लिखने वाले स्टूडेंट, अभी माता जी टीचर है, ये हमें बता सकती है अच्छी तरह से कि टीचर जब
क्वेश्चन पेपर बच्चों को देते हैं तो वो सवाल करते करते यदि वो बच्चा टीचर को पूछ ले, मैडम मुझे कितने मार्क्स मिलने वाले, तो क्या माता जी बता पाएंगी कितने मार्क्स? नहीं, क्योंकि जब तक उसने पेपर लिखा नहीं है, इन्होंने चेक नहीं किया है, तब तक हमें मार्क्स कितने मिलने वाले वो पता नहीं चलेगा। वैसे ही हमने क्या कर्म किया है, हमने क्या कर्म किया है, कैसे कर्म किया है, कौन से भावना से किया है, किस कार्य के उद्देश्य से किया है, क्यों किया है, ये जब तक हम अच्छी तरह जान नहीं पाएंगे। और ये जानने का एक ही माध्यम है, भगवान की शरणागति। और हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब हम पूरी तरह से भगवान के शरणागत हो जाएंगे, भगवान की सेवा में लग जाएंगे, तभी हमें समझ में आ जाएगा। और तब हम जो भी हमारे साथ सुख दुख आएंगे उसको हम सहन करना सीखेंगे। और वो ही बता रहे यहाँ पे कृष्ण अर्जुन को, तितिक्षस्व भारत, सहन करना सीखो। जब हम ये सहन करना सीख जाएंगे तब हम यानी चिल्लाएंगे नहीं, ऐसे क्यों हुआ, ये क्यों हुआ मुझे। अभी समझो कभी हमारे पास पानी नहीं आया, कभी कभी ऐसे होता है पानी नहीं आया तो हम क्या है, थोड़ी हमें जल्दी होती है कि अरे जगन्नाथ जी की आरती, हमें भागना है, नहाना है, क्या करे, तो हम थोड़ा चिल्ला चिल्ली कर उठते हैं कि पानी क्यों नहीं आया, पानी क्यों नहीं छोड़ा गया। तो इससे अच्छा है कि हम थोड़ा पानी भर के रख दें और उससे ही नहा ले और जगन्नाथ जी को सेवा में आ जाए, भगवान करेंगे ऑटोमेटिक पानी आ ही जाएगा। क्योंकि बिना पानी का तो कोई नहीं रहता, पानी तो आज नहीं तो थोड़ी देर से आएगा, अभी नहीं तो थोड़ी देर से, ऐसा नहीं है कि अभी नहीं तो कभी नहीं, ऐसा नहीं होता है, थोड़ी देर से आ जाए। तो हमें क्या चाहिए, तितिक्षव सोना है, यानी सहन करना है, उसकी ये करना, क्या बोलते हैं, इंतजार करना सीखना है। जब हम इंतजार करना सीख जाएंगे और सब हमारे प्रॉब्लम इंतजार करना सीखने से, मन को कंट्रोल करने का सीखने से, ये सुख दुख शीतोष्ण जैसा है वो समझ लेने से, और ये आने ही वाला है, आगम अपान आएगा जाएगा, वो बैठने रहने वाला नहीं, स्थिर नहीं है कोई भी, सुख दुख कोई भी स्थिर नहीं है। ऐसा नहीं कि दुख है तो दुख ही है, सुख है तो सुख ही, ऐसा कभी नहीं होता है, वो चलते ही रहता है। तो फिर ये हम समझ लेते हैं तो उससे क्या होता है, हम भक्ति चालू रख सकते हैं आगे। भक्ति में अड़काठे जो बोलते हैं या फिर अड़चने जो बोलते हैं वो नहीं आते है। और आने के बाद भी हम उसपे निग्लेक्ट, उसको निग्लेक्ट करते हुए हमारे भक्ति में ही अड़िक रहते। और जब हम हमारे भक्ति में अड़िक रहेंगे, जब हमारी भक्ति सक्सेसफुल हो जाएगी, तो हम हमारे जो कर्तव्य है भगवान का, कृष्ण का प्रेम प्राप्त करना और बैक टू गॉडहेड, यानी भगवान के धाम जाना, कृष्ण लोक प्राप्त करना और कृष्ण के साथ नित्य लीला में सहभागी होना, वो सक्सेस हो जाएगा। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। वांछा कल्पतरुभे च कृपा सिंधुभे एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। कुछ प्रश्न हो गए तो आइए। मारवाड़ी में, माझा मराठी तो शिक्षण झालंय, मराठी तो शिक्षण झालंय माझं। यस यस, ऑनलाइन बघत सुन पा रहे, हरे कृष्ण। यस यस, हाँ माताजी सुन रहे हैं, सुन रहे हैं। ये जो यहाँ पर आया था ना, सबसे पहले तो कृष्ण भगवान को देखिए कि कैसे वो अर्जुन को समझा रहे हैं। पहले उन्होंने क्या बोल दिया था कि भाई ये शरीर के अलावा कुछ और है, जो कि 11 और 12 श्लोक में, 13 श्लोक में देख लिया था। और अब वो क्या बोल रहे हैं कि ये सब है ना अदर, लेकिन फिर भी उसको अभी उसके बॉडी की कंसेप्शन से नाम दे रहे हैं। एक तरफ कौन्तेय बोल रहे और एक तरफ भारत बोल रहे हैं। यदि कृष्ण ने पहले बोल दिया कि भाई शरीर यही नहीं, तो फिर प्रश्न उठता है कि यहाँ कौन्तेय, क्योंकि वो कुंती के साइड से बोल दिया, भारत ये भारत के साइड से बोल दिया, तो ऐसा क्यों हुआ। तो इंडायरेक्टली कृष्ण क्या जताना चाहते थे कि भले ही इतने बड़े बड़े परिवार से कुलों से आ रहा है, फिर भी उसका मतलब नहीं रहेगा।
हमें भी ये समझना चाहिए, हम कितने भी बड़े हो जाए कितने भी छोटे हो जाए, इट हैज नो वैल्यू मटेरियल। यदि हम शूद्र हो या ब्राह्मण उसका मतलब नहीं बनता, मतलब उसी चीज का बनता है जब हम इस शरीर का सही इस्तेमाल करें, अर्थात वो ब्रह्म जिज्ञासा इस चीज के लिए। तो ये सबसे बड़ी बात थी, क्योंकि अभी इमीडिएटली वो देखिए 15 श्लोकों को बोलने वाले जो हमारा कल होगा कि देह मृतम मराहा, कि कैसे वो चेंज होने वाला है, तो वो बात है। और दूसरा टॉलरेंस बहुत जरूरी होता है, जैसे माता जी ने बताया टॉलरेंस नॉट ओनली मटेरियली स्पिरिचुअली, कि मैं तो भक्ति में आ गया हूँ, आ गई हूँ, मैं हर दिन मंगल आरती सुबह 4:30 बजे आके कर रहा हूँ, कर रही हूँ, पर मेरा गारंटी है क्या कि क्या मैं अंत काल में महामेव स्मरण रूपा जो कृष्ण बोल रहे हैं वो हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो यहाँ इनडायरेक्टली कृष्ण क्या बता रहे, मैं तो अभी बहुत ज्ञान तुम्हें देने वाला हूँ, जिज्ञासु टॉलरेंस रखना जरूरी है। सुख दुख आते जाते रहेंगे, जैसे आपका सर्दी है और गर्मी आते जा रहा है ऐसे, लेकिन जो टॉलरेंट रहेगा वही धीर न बुच्चे। तो धीर बनने के लिए सबसे पहला क्वालिटी है टॉलरेंस, सब कुछ सहन करना सीखे, प्रसादम कम मिला ज्यादा मिला, चैंटिंग अच्छा हुआ गलत हुआ, मैं सुबह सुबह आप मुझे अभी सेवा में लगा दिया प्रभु जी, मेरा चैंटिंग नहीं हो रहा है, बी टॉलरेंट। सेवा की वजह से बहुत ज्यादा शुद्धि हो और आपका चैंटिंग आगे जाके और अच्छा। और जब हम ये आध्यात्मिक पथ पर चल चुके हैं तो इस आध्यात्मिक पथ पर जो है इतना आसान नहीं होगा कि हम सक्सेसफुली जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से निकल पाए। उससे निकलने के लिए हमें हर बार पेशेंस रखना होगा, टॉलरेंस रखना होगा, और जब हम वो कर पाएंगे तभी हम इन सभी जो समस्याएं हमारी उन समस्याओं से मुक्त हो पाए, वरना हमें वापिस से जन्म करना पड़ेगा। हम एक दूसरे की अच्छाइयां या बुराइयां देखते रहेंगे तो हम कभी भी आगे जिंदगी में बढ़ नहीं पाए। यू हैव टू बी टॉलरेंट टुवर्ड्स एवरीथिंग, आपके पास अच्छा भी होता है तो भी आपको टॉलरेंट होना है, और आपके साथ बुरा भी होता है तो भी आपको टॉलरेंट होना है। प्रसाद सबसे बड़ी चीज थी, तो प्रसाद दे दीजिए, और यहाँ पे फ्रूट भी है वो भी ले लीजिए। हरे माता जी प्रसाद, हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम वंचाकल्पतरुभ्यो कृपा सिंधुभ्यो एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण, इतनी देर रुके आप और 2 मिनट रुके, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम महाप्रसाद ये आपके लिए प्रसाद। हाँ हरे कृष्ण, तो जो ऑनलाइन आया उनके लिए वर्चुअल प्रसाद, आपके लिए प्रसाद, ये आपके लिए ऑनलाइन प्रसाद, ये आपके लिए ऑनलाइन प्रसाद, ये ऑनलाइन प्रसाद।